नमस्कार। आधुनिक भारतीय इतिहास की कड़ी में आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक रोल एक्ट और जलियांवाला बाग मिसाकर, जो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी इसे हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को डिस्कस करें, रोल एक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रोल एक्ट जो है 1919 में पास किया गया, इसे हम रेवोल्यूशनरी एक्ट 1919 भी कह सकते हैं। इसके पहले एक कानून पास हुआ था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में। तो ये जो एक्ट है रॉलेट एक्ट, ये एक तरह से उसकी एक्सटेंशन है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 की। तो रॉलेट एक्ट जो है एक तरह का सेडिशन एक्ट है। एक कमेटी बनाई गई थी, सेडिशन कमेटी, उसके हेड जो थे वो जस्टिस सिडनी रॉलेट थे। जस्टिस सिडनी रॉलेट, जस्टिस सिडनी रॉलेट उसके हेड थे। उनके नाम पे ये रॉलेट एक्ट कहा जाता है। द एक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक एक्ट इन द आइज ऑफ इंडियंस। भारतीयों की नज़रों में ये बिल्कुल ही एक काला कानून था जो पास किया गया। नॉर्मली कहीं पर भी आपको डिफेंड करने का मौका दिया जाता है, जब आप कहीं पर गिरफ्तार किए जाते हैं, किसी जुर्म में गिरफ्तारी होती है आपकी, या आप पर कोई मुकदमा चलता है, तो आपको डिफेंड करने का पूरा मौका दिया जाता है। लेकिन ये एक प्रकार का काला कानून था रॉयल टेक जो था, कि यहाँ पर जो प्रोविजन था वो बिल्कुल भी रखा नहीं गया। जैसा कि कई भारतीय नेताओं ने कहा कि ना दलील ना वकील और ना अपील, ना तो आप कोई दलील दे सकते थे, ना ही कोई वकील कर सकते थे, ना ही कोई अपील जारी की जा सकती थी। अगर आपको पकड़ लिया जाता था तो आपको बिना किसी जुर्म के भारतीयों को वो गिरफ्तार कर सकते थे। तो इस प्रकार का ये काला कानून जो था रॉलेट एक्ट था, वो बनाया गया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के बाद। ये 1919 में बनाया गया। क्यों बनाया गया? बेसिकली क्योंकि जो एक मूवमेंट थी, नेशनल मूवमेंट जो थी, स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था, और ब्रिटिश कोई इस प्रकार का कानून पारित करना चाहते थे, एक प्रकार का लॉ लाना चाहते थे जिसमें भारतीयों को कोई मौका ना दिया जा सके कि वो अपने गिरफ्तारी के अगेंस्ट या कोई अपील कर सकें, या कोई उनको डिफेंड करने का मौका भी मिले, उनको डिफेंड करने का अवसर भी मिले। इवन कि ये भी नहीं कहा जाता था कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, और आपके अगेंस्ट कौन से साक्ष्य मिले हैं, आपके अगेंस्ट कौन से प्रूफ मिले हैं, ऐसी कोई भी बात जो है वो नहीं होती थी। तो रॉलेट एक्ट जब पारित हो गया, इस काले कानून के अगेंस्ट बहुत सारी जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं, जो प्रोटेस्ट है वो भी शुरू होते हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है, विरोध प्रदर्शन जो है, वो पूरे भारत में शुरू होते हैं इस एक्ट के अगेंस्ट, कि इसे खत्म किया जाए, इस कानून को समाप्त किया जाए, इसे वापस लिया जाए। तो जब ये बात होती है तो उसके बाद बहुत सारे प्रांतों में विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो उनमें से पंजाब भी एक है, पंजाब भी एक है। पंजाब में भी ये विरोध प्रदर्शन होते हैं, और ये जो विरोध प्रदर्शन पंजाब में चलते हैं, बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो उग्र होकर इसे लीड करते हैं पंजाब में। उनमें नाम लिया जा सकता है सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल डांग का। तो ये जो दो व्यक्ति हैं, ये अमृतसर में प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, और 9 अप्रैल 1919 को ये एक प्रोटेस्ट होता है, एक मुजाहरा होता है, एक रैली निकाली जाती है,
जिसे लीड करते हैं डॉक्टर सतपाल डांग, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जो है वो उनको लीड कर रहे हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल जो अग्रणी नेता थे पंजाब में जो रॉयल एक्ट के अगेंस्ट धरना लगा रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और किसी अननोन जगह पर भेज दिया जाता है। दे आर सेंट टू सम अननोन प्लेस। और ऐसा कई पुस्तकों में लिखा है, कई बुक्स में कहा जाता है, लिखा हुआ है कि उन्हें धर्मशाला भेजा जाता है ताकि किसी को पता ना चल सके और ये जो मूवमेंट शुरू हुई थी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट इसे ख़त्म किया जा सके। महात्मा गांधी भी बहुत मुखर होते हैं इस एक्ट के अगेंस्ट, और भी बहुत सारे नेता जो हैं लोकमान्य तिलक और कांग्रेस के अन्य नेता भी विरोध प्रदर्शन जो है वो पूरे इंडिया में इस एक्ट के अगेंस्ट कर रहे हैं कि इस एक्ट को वापस किया जाए। और उसके बाद 10 अप्रैल 1919 को जो आम जनता है, जनमानस है, वो भड़क उठता है अमृतसर में, और अमृतसर में कई जगह पर हिंसा के साक्ष्य मिलते हैं कि आम जनता जो जनमानस है, जो मासिस है, वो हिंसा पे उतारू होता है और कई जगह पर हिंसा भी होती है और ब्रिटिश ऑफिसर्स उनके परिवार वालों को पे हिंसा की जाती है, वायलेंस जो है वो की जाती है। इस प्रकार के साक्ष्य, इस प्रकार के प्रमाण जो है वो मिलते हैं और ये डिसाइड किया जाता है प्रोटेस्टर्स के द्वारा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एकत्र होकर वो अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। 13 अप्रैल बैसाखी वाला दिन, और बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग के बिल्कुल पास ही है श्री हरमंदिर साहब, तो ये पता था प्रोटेस्टर्स को कि पूरे पंजाब से जो बहुत संगत है वो वहाँ पर आती है, श्री हरमंदिर साहब भी आती है, और अगर ये प्रोटेस्ट किया जाएगा उस दिन 13 अप्रैल को रखेंगे तो हम अपनी बात जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हो पाएंगे, कामयाब हो सकेंगे। तो एक पीस प्रोटेस्ट था ये, कोई हिंसा करने का इरादा नहीं था, किसी प्रकार की कोई वायलेंस करने का इरादा नहीं था, सिर्फ एक पीस प्रोटेस्ट था और कुछ भाषण दिए जाने थे और शांतिपूर्वक जलियांवाला बाग के अंदर एकत्र होके धरना लगाया जाना था रॉयल एक्ट के खिलाफ कि इसे वापस लिया जाए और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ा जाए क्योंकि वो उनके अग्रणी नेता थे। और तभी जो है एक प्लान बनाते हैं ब्रिटिश सरकार, माइकल ओ डवायर। यहाँ पे दो नाम मैं लेना चाहूँगा, एक है माइकल ओ डवायर और एक है जनरल डायर, पॉपुलरली नोन एज जनरल डायर, रेगिनाल्ड डायर। ही वॉज बेस्ड इन जलंधर एट दैट टाइम, तो वो जलंधर में कमांड को संभाल रहे थे, ये जलंधर बेस्ड था जनरल डायर, जलंधर में कमांड को संभाल रहे थे। एंड माइकल ओ डवायर वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, इन्हें पूरे पंजाब की कमान जो है वो सौंपी गई थी। तो एक प्लान बनाया जाता है, एक योजना बनाई जाती है, और जो अमृतसर में कमान संभाल रहे थे ब्रिटिश ऑफिसर वो मना कर देते हैं कि मैं जलियांवाला बाग में जाकर प्रोटेस्टर्स के ऊपर किसी प्रकार की गोलीबारी नहीं करूँगा। लेकिन जनरल डायर जो है, जनरल डायर बॉर्न इन इंडिया ओनली और शिमला में ये पढ़े भी थे, लेकिन एक हम कह सकते हैं कि वाइट सुप्रीमेसी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, तो उन्हें बुलाया जाता है, जनरल डायर को जलंधर से अमृतसर बुलाया जाता है और इस पीस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए। तो जनरल डायर जो है एक दिन पहले 12 अप्रैल को अपने सभी जो फौजी अफसर थे साथियों, फौजी साथियों के साथ अमृतसर में एक मार्च भी निकालते हैं एक तरह का डर बिठाने के लिए। और 13 अप्रैल को अंदर जब पीस प्रोटेस्ट चल रहा था तो अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ वो जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं और अपनी पोजीशंस जो हैं वो ले लेते हैं। उनका इरादा इस निहत्थे प्रोटेस्ट के ऊपर जहां पर किसी प्रकार की कोई हिंसा, कोई वायलेंस नहीं हो रही है, एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है बिना किसी प्रोवोकेशन के,
वहाँ पर गोलीबारी करने का उनका इरादा था, और ये आदेश जो था वो माइकल ओडवायर की तरफ से था, ऐसा इतिहास की किताबों में लिखा गया है। तो वो जनरल डायर जलियांवाला बाग में एंटर होकर जाकर इन निहत्थे लोगों के ऊपर गोलीबारी करता है। कई राउंड्स जो हैं वो गोलियों के चलाए जाते हैं। जब वो राउंड्स ख़त्म हो जाते हैं तब जनरल डायर पूछता है, और बाद में जब इंक्वायरी बैठी और पूछा गया कि आपके पास और राउंड्स होते गोलीबारी के तो क्या आप और राउंड्स भी चलाते, तो जनरल डायर का ये आंसर था, जनरल डायर का ये उत्तर था कि हाँ मैं वो भी करता, मेरे पास और राउंड्स होते गोलीबारी के तो मैं वो भी करता। इस प्रकार से हज़ारों लोगों पर ये गोली चलाई गई जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए। और जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं होता था, वेल वॉज देयर, और बहुत सारे लोगों ने उसमें छलांगें लगाई और वो कुएं के अंदर भी डूब के मर गए, और कुछ गोलीबारी से मर गए और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड भी हुए थे। तो इस घटना को हम इतिहास में जलियांवाला बाग की घटना या जलियांवाला बाग मिसाकर कहते हैं। और एक ये बहुत बड़ी घटना थी जिसके अगेंस्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रोटेस्ट करते हुए अपनी सर की उपाधि को छोड़ दिया। उन्हें सर की उपाधि दी गई थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, लेकिन जलियांवाला बाग के घटनाक्रम को देखते हुए, इस जघन्य हत्याकांड को देखते हुए, उन्होंने ये सर की उपाधि वापस कर दी। और महात्मा गांधी ने भी अपने कैसर ए हिंद के जो मेडल मिले गए थे, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद के मेडल्स मिले थे, ये उपाधि ये सम्मान दिया गया था बोयर वॉर जो हुई थी साउथ अफ्रीका में, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो ये मेडल्स उन्हें दिए गए थे। तो महात्मा गांधी ने भी ये मेडल्स जो हैं वो वापस कर दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के अगेंस्ट। और हमें पता है कि आगे चलकर शहीद उधम सिंह ने, जो कि पंजाब के एक अग्रणी क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने माइकल ओडवायर को इंग्लैंड में जाकर मारा था और उसका बदला लिया था। जनरल डायर के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी गिल्ट के अंदर आकर ही मारा गया। He died in 1927, लेकिन 1927 तक भी, जब तक जनरल डायर जिंदा रहा तब तक उसको ये हेलुसिनेशंस होते रहे हैं। वो एक तरह से अर्ध विक्षिप्त हालत में आ चुका था, अर्ध पागल हालत में आ चुका था कि इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड जो है वो उसके हाथों हुआ। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरे प्रेस में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में बहुत कवरेज होती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक कमीशन बिठाना पड़ता है इंक्वायरी के लिए, एंड दैट इज हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के नाम से एक कमीशन बैठता है, W.W. Hunter इसके एक लीडर थे, उनके नाम से ये हंटर कमीशन जो है वो वहाँ पर बैठता है। और हंटर कमीशन जब इंक्वायरी करता है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर को बिल्कुल निर्दोष सिद्ध करता है कि और सम्मान भी दिया जाता है, इवन कि जनरल डायर वॉज अवॉर्डेड एंड ही वॉज गिवन फुल रिस्पेक्ट आफ्टर दिस जलियांवाला बाग मैसेकर। लेकिन हंटर कमीशन चाहे उसको सम्मान करता है जनरल डायर को या अवार्ड करता है, लेकिन इस हत्याकांड में जो भारतीय एक स्वतंत्रता संग्राम जिस दिशा में जा रहा था उस दिशा को बदलने में इस हत्याकांड की, जलियांवाला बाग मिसाकर की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जो क्रांतिकारी आंदोलन है, जो एक गर्म दलीय चेहरा था कांग्रेस का, वो डोमिनेट करता है। और हम देखते हैं कि आगे चलकर खिलाफत मूवमेंट भी होती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होती है, तो महात्मा गांधी की डोमिनेंस जो है वो बढ़ती है। लेकिन साथ साथ पैरेलल हम देखें तो एक समानांतर तौर पर क्रांतिकारी आंदोलन भी है, वो भी चलता है, साथ साथ ही चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि रॉलेट एक्ट के बारे में और जलियांवाला बाग का जो ये हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ, इसके बारे में आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अन्य लेक्चर्स, अन्य जो टॉपिक्स हैं, हम आगे आने वाले वीडियोस में, लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें द चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू वेरी मच।